नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योजना श्रेष्ठ। हम आपको सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ी हुई बड़ी एक खबर आ रही है। दोस्तों देश की जनता को मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों, इसकी वजह से इलाज में पैसे की कमी के कारण इलाज में रुकावट नहीं आएगी। दोस्तों, देश की बड़ी आबादी को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। जो लोग आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं और जो लोग आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी नहीं है, तो वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मतलब दोस्तों, वो लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है और महंगे इलाज के कारण इलाज नहीं कर पाते हैं अपना, तो वो लोग राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, बीते साल एक अधिसूचना में आयुष्मान भारत योजना के इस सूची से बाहर कर दिया था, लेकिन दोस्तों अब इस योजना में कुछ बदलाव कर दिए गए। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को महंगे इलाज जैसे सर्जरी और आर्गन हड्डी प्रत्यारोपण, रीढ़ की सर्जरी और जोड़ों के ऑपरेशन में लाभ देने से इनकार कर दिया था राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के द्वारा में बना कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब जिसमें अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदलाव कर दिया गया। दोस्तों, अब स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित है लेकिन उसका नाम आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है, तो उसको डॉक्टर की सलाह पर उसको राष्ट्रीय जन आरोग्य निधि के तहत 15 लाख तक की आर्थिक मदद मिल सकती है। उसके द्वारा 15 लाख तक का वो इलाज फ्री करा सकते। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या है ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना? तो दोस्तों, ये योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को आर्थिक मदद देने का काम करती है। इस योजना में दोस्तों पहले 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसकी सीमा बढ़ा दी। मतलब दोस्तों, पहले जो 2 लाख रुपए की सहायता मिलती थी, अब वो 15 लाख रुपए तक कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस योजना से संपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं, किसको इस योजना का लाभ मिलेगा और किसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल योजना एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना, ताकि आपको जब भी हमारे को नेक्स्ट वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा संचालित कई स्वास्थ्य चिकित्सा अनुदान योजनाएं जारी है। इनमें से सबसे बड़ी स्वास्थ्य लाभ की योजना मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई थी, जन आरोग्य योजना अर्थात आयुष्मान भारत योजना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना वर्ष 1977 से जारी है, जिसके विषय में कम लोगों को जानकारी है। इस योजना का संचालन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को, गंभीर रोगों से पीड़ित रोगी उठा सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान में इस योजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से 13 सरकारी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थानों में 15 लाख तक के इलाज का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इससे अधिक के इलाज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुमोदन मिलने के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। दोस्तों, राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना का लाभ लेने के लिए अपने निकट के सरकारी अस्पताल से संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब नीचे आता है राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना का उद्देश्य। तो दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य देश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। दोस्तों, राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना का उद्देश्य दोस्तों देश के गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को गंभीर इलाज और जानलेवा रोगों से पीड़ित रोगियों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाना है। दोस्तों, योजना के तहत चिकित्सा लाभ के लिए रोगों को 3 श्रेणियां बनाई गई है। दोस्तों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को हार्ट, किडनी और लिवर से संबंधित गंभीर रोग से पीड़ित रोगी, और दो नंबर पे आता है दोस्तों कैंसर रोग से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के रोगी के लिए क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों, कैंसर सेंटर, राज्य कैंसर संस्थान पर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है। देश के बीपीएल परिवारों के दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगियों को सरकारी अस्पताल और सरकारी सुपर स्पेशलिटी संस्थान में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, अब नीचे आता है आरएएन योजना के तहत अस्पतालों की सूची। तो दोस्तों, अब इसमें यहाँ पे उन अस्पतालों की सूची है जहाँ पर आप इलाज करा सकते हैं 15 लाख रुपए तक का, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत 13 सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थानों में इलाज का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, उसमें आप इलाज करा सकते हैं। एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, श्रीमती सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, गांधी मेमोरियल एसोसिएट हॉस्पिटल लखनऊ, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कोलकाता, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान शिलोंग, क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान इम्फाल और शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान
श्रीनगर। तो दोस्तों आप इस इलाज के लिए आपको दस्तावेज क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट फर्स्ट ट्रीटमेंट, तो दोस्तों इलाज के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो दोस्तों रोगी के इलाज से संबंधित सभी पर्चे और चिकित्सा अधिकारी का एक लेटर पैड होना आवश्यक है और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें आपके 3 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे राशन कार्ड जोड़ देना और आपको आधार कार्ड देना है। तो दोस्तों अब राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना आवेदन कैसे करना है, तो दोस्तों राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना में आपको मैं एक फॉर्म है जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सूचनाएं भरने के बाद दस्तावेज की फोटोकॉपी संलग्न करना होगा। फिर योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्थानों में से किसी अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं तो वहां आपको इस फॉर्म को जमा कराना होगा।